लेटर? आज तो मेरा लेटर आने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ, आज अम्मी ने लेटर भेजा होगा। ये। अरे क्या हो गया मायरा, रुको रुको, कहाँ जा रही हो तुम? और कहाँ लेटर लेने, आज अम्मी का लेटर आया होगा। इस तरह बाहर मत जाओ, मायरा मेरी बात तो सुनो। गुड़िया, कैसे तलाश कर रही हो तुम? जी जी, मैं यही ढूंढ रही हूँ। जी हाँ, आपका लेटर आया है। मुझे इसमें क्या लिखा है, पढ़ के बताइए ना। अभी पढ़ना है? जी अभी। मेरी प्यारी बेटी, अभी अफ्रीका में हूँ मैं। तुम्हें अंदाजा नहीं होगा कि मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ। यहाँ जो बच्चे हैं उनकी हालत वाकई बहुत बुरी है, और मैं जानती हूँ कि उन बच्चों की देखभाल करते करते मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पा रही। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम समझदार हो और मेरी परेशानी समझ जाओगी। मेरी प्यारी बेटी, मुझे जब भी वक्त मिलता है मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारी अम्मी। बस इतना ही लिखा है इसमें? हाँ इतना ही। बाबा, क्या अभी हम उन्हें जवाब दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल मेरी जान, दे सकते हैं, मगर उससे पहले नंगे पांव बाहर निकलने पर जानती हो ना क्या सजा मिलती है? जी जानती हूँ। अच्छा जानती हो? एक दो तीन। मैं हूँ मायरा मॉन्स्टर। और मैं हूँ मायरा का फादर मॉन्स्टर। हम दोनों सबको डराने आए हैं। डराने आ रहा हूँ। किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। आया मायरा मॉन्स्टर, भागो। हम बहुत खतरनाक है, हमसे बच के रहो। अम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ये लिखा? हाँ लिख दिया। एक और बात भी लिखनी थी इसमें। अब हम ज्यादा नहीं लिख सकते क्योंकि पेज पूरा भर चुका है। उनसे एक तस्वीर मंगवाते हैं। हमारी इस बारे में बात हो चुकी है ना, तुम्हारी अम्मी वहाँ से तस्वीर नहीं भिजवा सकती। अगर तस्वीर मंगवाई और वो ना भेज सकी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। बाबा अम्मी ना भेजे लेकिन आप लिख तो दें, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ये तो खा लो, न जाने कब ये जिद करना छोड़ेगी। कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो गई है ये लड़की। चलो ठीक है फिर, लिख देता हूँ मैं। ये। चलो शाबाश खाओ। ये लो, लेटर तैयार है। चलो जल्दी से नाश्ता खत्म करो, इसके बाद स्कूल के लिए तैयार भी होना। बाबा आज चोटी नहीं बनाऊंगी मैं, अंकल मेरी चोटी ठीक से नहीं बनाते इसलिए मेरे सर में दर्द हो जाता है। अच्छा, मैं तुम्हारी चोटी ठीक से नहीं बनाता, इसका मतलब है कि मैं अच्छी बनाता हूँ, है ना? आप भी अच्छी नहीं बनाते लेकिन सर में दर्द नहीं होता। नाश्ता खत्म करो, ये अब ये भी खा लो। मैंने ड्राइंग क्लास के लिए कलर्स ले लिए हैं। रुको तो जरा, ये भी इसमें रख दिया और ये भी रख देती। मायरा रुक तो जाओ ना, भागे जा रही हो फिर कहोगी कि मैं ठीक नहीं बनाता। देखो कितनी मुश्किल हो रही है मुझे तुम्हारी चोटी बांधने में। और ये नोटबुक भी रख देती हूँ, अब मैं अपना बैग बंद कर देती हूँ। ठीक से नहीं बनी है। ठीक हाँ, नहीं बनी है, और इसकी क्या वजह है? खैर छोड़े, ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं मेरे बाल। ऐसे ही ठीक है। देखो लड़की, तुम्हारी चोटी बनाने में मुझे कितना वक्त लगा, सब जाया हो गया, मेरी सारी मेहनत जाया कर दी, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नहीं नहीं खाए मत। क्या खाऊं मैं तुम्हें? हाँ नहीं, मैं तुम्हें नहीं, खा जाऊंगा। यहाँ आओ मेरे पास, छोड़ूंगा नहीं। बाबा तुम मुझसे बचकर जाओगी कहाँ, अभी पकड़ता हूँ तुम्हें। देखो तुम पकड़ी गई हो तो मैं तुम्हें खा कर ही रहूंगा। अब तुम मेरी कैद में हो, कहाँ जाओगी मुझसे बचकर। अब तो मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगा। देखो मैं खा रहा हूँ। नहीं बाबा ऐसे नहीं खाते किसी को। फिर मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा नमक डालकर खाता हूँ। तुम जरा सब्र तो करो। नहीं आप क्या कर रहे हैं बाबा, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। मैंने खा भी लिया। बाबा मुझे कुछ बताइए ना अम्मी के बारे में। अभी बताऊंगा तो तुम्हें स्कूल की देर हो जाएगी, शाम में बताता हूँ। मैं कह रही हूँ ना अभी बताए ना बाबा, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा थोड़ा सा। ठीक है ठीक है।
तुम्हारी अम्मी बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल एक परी की तरह। वो रोज सुबह सवेरे उठती हैं, उनका पसंदीदा रंग सफेद है, उनकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पता है वो सुबह जल्दी उठकर क्या करती हैं? वो सबसे पहले अपनी स्लीपर्स पहनती हैं, क्योंकि जमीन पर नंगे पांव चलना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। वो सुबह जल्दी उठती है ना, तो फिर दिन भर सोती रहती हैं। वो किताबें पढ़ते पढ़ते सो जाती हैं। अक्सर जब मैं ऑफिस से जल्दी घर आता हूँ तो वो बिस्तर पर सो रही होती हैं। बिल्कुल मेरी तरह ही। हाँ मेरी जान, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह सोती हैं। तुम्हारी अम्मी को फूल भी पसंद है, उनसे फूलों की खुशबू आती है। उन्हें कॉफी पीना भी पसंद है ना बाबा? हाँ उन्हें कॉफी पीना भी पसंद है, वो दिन भर कॉफी पीती रहती हैं। तुम्हारी अम्मी की भी ऐसी ही बड़ी बड़ी आंखें हैं और ऐसे ही लंबे लंबे बाल भी हैं, और जब वो बिस्तर पर लेटती हैं तो उनके बाल पूरे बिस्तर पर फैल जाते हैं। फिर हम वहाँ से जिमनास्टिक क्लास भी जाएंगे। ठीक है पर ज्यादा भाग दौड़ मत करना। ठीक है बाबा। और पसीना आए तो ठंडा पानी बिल्कुल मत पीना। अच्छा ठीक है। ज्यादा शरारत मत करना नन्ही परी, समझी तुम? जी समझ गई। तो फिर ठीक है, चलो जाओ। निजात साहब, गुड मॉर्निंग। अगर आपके पास वक्त है तो क्या हम बात कर सकते हैं मायरा के बारे में? जरूर। मायरा ने फिर से कुछ किया है क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि आजकल तो मायरा का रवैया काफी अच्छा है सबसे। वाकई में? जहाँ तक मुझे याद है कि मायरा की बर्थडे नजदीक। हाँ 3 दिन बाद उसका बर्थडे है। क्या उसका बर्थडे खास बनाने के लिए आपने कुछ सोचा है? मेरा मतलब अगर कोई हेल्प चाहिए तो मैं कर सकती हूँ। नहीं कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, स्कूल में बाकी बच्चों की जिस तरह सालगिरह मनाई जाती है वैसे ही कीजिएगा। मैं ये बात जानती हूँ कि मायरा के लिए उसका बर्थडे बहुत अहम होता है। मैंने सुना है कि उसकी अम्मी आइलैंड साहिबा आ रही हैं। मायरा उनके आने का सुनकर बहुत खुश है। क्या कहा आपने? मैंने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की थी कि मायरा के सामने उसकी मॉम की बात ना की जाए, वो कंफ्यूज हो जाती है। कौन कर रहा है इस तरह की फजूल बातें? मायरा से ही सुना है हमने निजात साहब, उसने खुद ही सबको बताया है कि मेरी अम्मी आने वाली हैं, तो हमें लगा आपको पता होगा इस बारे में। ठीक है परेशान मत हो, मैं मायरा से बात करता हूँ। स्पोर्ट्स क्लास कितनी अच्छी है ना मायरा। हाँ यार बाबा, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? बेटा आपको क्या बात करनी है मुझसे? मैंने कुछ नहीं किया है बाबा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे दोस्तों से पूछ सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मुझे पता है बेटा तुमने कुछ गलत नहीं किया, मुझे तुमसे किसी और बारे में बात करनी है। क्या तुमने अपनी टीचर से कहा कि तुम्हारी बर्थडे पे तुम्हारी मॉम आने वाली है? जी जी वो आएंगी। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है बेटा कि वो आएंगी? देखो तुम्हारी अम्मी तुम्हें पाबंदी से लेटर भेजती है ना, क्योंकि वो अफ्रीका से आसानी से वापस नहीं आ सकती। मैंने तुम्हें बताया था ना कि अफ्रीका यहाँ से कितना दूर है। अम्मी जरूर आएंगी और वो अपना वादा कभी नहीं भूल सकती। हाँ बिल्कुल बेटा जानता हूँ वो नहीं भूलती, लेकिन उन्होंने तुमसे वादा भी तो नहीं किया। देखो बेटा तुम जानती हो ना मैं तुम पर गुस्सा नहीं करता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने टीचर से ऐसा क्यों कहा? पिछले साल अम्मी ने कहा था कि वो अगली बर्थडे पर वो मेरे साथ होंगी जब मैं 6 साल की हो जाऊंगी, और अब मैं इस महीने 6 साल की हो जाऊंगी, तो क्या पता वो आ जाए मेरी बर्थडे पर। मुझे नहीं मनाना अपना बर्थडे। मेरी जान तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे आपके साथ नहीं मनाना है अपना बर्थडे। अच्छा मेरी बात तो सुनो जरा। दूर हो जाइए मुझसे। मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ तुम जानती हो ना बेटा। ये बिल्कुल भी सच नहीं है बाबा, और अगर आप मुझसे प्यार करते तो आप इस तरह मुझे उदास नहीं करते। सॉरी बेटा माफ कर दो मुझे। तो बताओ क्या चाहती हो तुम? हाँ क्यों ना तुम, मैं और हैरी अंकल तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम खाने चलें। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस मेरी अम्मी की जरूरत है, और आप मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारी बर्थडे पर नहीं आ पाई, लेकिन उम्मीद है तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया होगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारी नेक्स्ट बर्थडे पर तुम्हारे साथ होंगी, मगर तुम अपनी इस बर्थडे पर खूब मजे करना, खूब खाना पीना। तुम्हारी 6ठी सालगिरह पर हम लोग जरूर मिलेंगे और खूब मजे करेंगे। तुम्हारी अम्मी।
बाबा आपको याद नहीं है ना? नहीं बेटा, मुझे बिल्कुल याद है, लेकिन तुम्हारी अम्मी ने दोबारा जिक्र नहीं किया कि वो आएंगी। अगर वो नहीं भी आई तो इसके लिए हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो भूल गई हो ये बात। वो ये बात कभी नहीं भूलेंगी। आप अभी तक नहीं समझे ना? क्या नहीं समझा मैं? यही कि अम्मी हमें सरप्राइज देंगी। चलो आ जाओ।